ऐसा देखा गया है कि इन चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ साथ बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री कहीं भी कैंपेनिंग करते हैं तो स्टे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री बकायदे स्टे कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हैदराबाद बहुत खूबसूरत जगह है, हैदराबाद में सुकून मिलता है चार मीनार को देखकर, हैदराबाद में मौसम भी बहुत अच्छा है ना, हैदराबाद सबसे सुकून की और खूबसूरत जगह है। यहां पर तारीख भी है, यहां पर मॉडर्निज्म भी है, यहां पर जबान की बोलचाल के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर खाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हलाल के नाम पर, यहां पर झगड़े नहीं है धर्म के नाम पर, भाईचारगी है। तो प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई यहां पर इतना ये कैसी जगह है जहां पर सब लोग अपनी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं, तो हम भी अच्छा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दो रात गुजार रहे हैं हैदराबाद में, बहुत अच्छा है। सर, योगी जी का यहाँ पे दौरा हुआ, योगी जी ने बुलडोजर की बात उठी और सबसे बड़ी बात बीजेपी के कई लीडर कई बार कहते रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर करेंगे, तो ये बुलडोजर और भाग्यनगर का मसला फिर से एक बार सामने आया। पहले इनसे पूछ लीजिए भाग्यनगर आया कहां से, इनसे पूछ लीजिए, बताइए हमको, उनसे पूछिए कि भाग्यनगर कहां पर लिखा गया है, किधर से आया। आप हैदराबाद से नफरत करते हैं इसलिए नफरत की निशानी है नाम बदलने की। हैदराबाद तो हमारी पहचान है, आप कैसे नाम बदलेंगे उसका? हैदराबाद तो हर हैदराबाद, ये नाम हर हैदराबाद के दिल में है, जबान पर है, सोच में है।